उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो गई है। यह सीट केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हो गई थी, अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं केदारनाथ सीट को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव 20 नवंबर को होना है, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। इसके लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक वीरेंद्र जाति को बनाया गया है, जो आने वाले दिनों में केदारनाथ में जाकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसका फायदा न सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी को होगा, बल्कि केदारनाथ की जनता को भी होगा। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी के अनुसार पिछले कुछ महीनों से लगातार कांग्रेस की तैयारी उपचुनाव को लेकर चल रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा भी निकाली गई थी। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा से स्थानीय जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि हमने मुद्दे भी चिन्हित कर लिए हैं जो केदारनाथ उपचुनाव में रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ भी कई बार नेताओं की जूम मीटिंग और लाइव मीटिंग भी हो चुकी है। साथ ही मुख्य प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी पर हमला बोला। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवरीश गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत लंबे समय से हमें इस घड़ी का इंतजार था। केदारनाथ उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और हमारी तैयारी तो आज नहीं, कई महीनों से चल रही है। आपने देखा कि किस तरह की वृहद प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केदारनाथ के संबंध में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निकाली गई और अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद हमें स्थानीय जनता का उसमें प्राप्त हुआ। हमने वहां का माहौल देखा, माहौल कांग्रेस के अनुकूल था और अभी भी है। और अब जो ऑब्जर्वर हमारे पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, बहुत ही अनुभवी चेहरे हैं, ऊर्जावान और युवा चेहरे हैं। माननीय भुवन कापड़ी जी और वीरेंद्र जाति जी लाभान्वित होगी, उत्तराखंड कांग्रेस भी और केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस को बहुत फायदा इसका मिलने वाला है। और हमारे वो मुद्दे भी चिन्हित हो चुके हैं जिनको लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी भी तैयार हो चुकी है, हमारी कई दौर की व्यक्तिगत मीटिंग प्रभारी जी के साथ हो चुकी है और जूम मीटिंग भी केदारनाथ उपचुनाव के मद्देनजर हो चुकी है।